सो वेलकम बैक टू द चैनल सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द द फाइनेस्ट वीडियो ऑन यू माइट दाइनेट माइडिंग जब आपके कम मार्क्स आ रहे हैं आपने लो मॉक टेस्ट रखा है है अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि कि आप आप हो हो चुके और जानना चाहते आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे बिकॉज हमारी पूरी नीट जर्नी हमारी कितनी अच्छी जा रही है कितनी खराब जा रही है चाहे आप किसी कोचिंग का पार्ट हो या किसी कोचिंग का पार्ट नहीं हो आप दुनिया का कोई भी कोर्स उठा लो नीट के लिए मॉक टेस्ट तो हर इंसान हर बैच लेती है चाहे पार्ट टेस्ट हो एवरी मंथ एवरी टू वीक्स पे आपका भी आगे जाकर फुल सिलेबस टेस्ट होगा और अगर मॉक टेस्ट में अच्छे

घंटों बर्बाद कर ही चुके होंगे ये सोचने में कि मेरे मार्क्स कैसे बढ़े बस अगले दस बारह मिनट और दे दो और आपको अपने बातों का पूरा सोल्यूशन परफेक्टली मिल जाएगा सो ट स्टार्ट आर वीडियो सो लो मॉक टेस्ट के क्या क्या रीजन होते मैंने सारे लिस्ट आउट किए स्टार्ट सबसे पहले तो मैंने यहां पे रखा है इनकम्प्लीट ये सबसे कॉमन रीजन है जहां पर मुझे एक्सपेरियंट के सबसे ज्यादा यू नो टेक्ट आते हैं वो आते हैं इन जनरल मैं जब खुद भी नीट एक्सपेरियर था तो मुझे मालूम था कि सबसे मोस्ट कॉमन रीजन मार्क्स कमाने का कि प्रेपरेशन अच्छी नहीं है अभी से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने की कोई जरूरत आपको नहीं है यू नो सडनली फुल सिलेबस कोई पॉइंट नहीं हुआ सिलेबस हुआ नहीं आपने एक भी बार पूरा सिलेबस कंप्लीट भी नहीं किया और इनके अगर हाइपोथेटिकली मान लो आपने कंप्लीट कर लिया कोई ड्रॉपर हुआ है ना आप इस साल नीट दिए तो

और लाइक आप एक या दो वीक का टाइम लो या एक या एक वीक या दस दिन का टाइम लो एक पार्ट टेस्ट देने का मतलब जिसमें दो चैप्टर चे, पर सब्जेक्ट आपके यहाँ पे होते हैं तो आपको हर एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कैसे करना है आपको पहले लेक्चर्स देखने हैं अगर किसी ऑफलाइन कोचिंग का पार्ट हो तो आपको क्लासेस अटेंड करनी है आपको प्रॉपरली नोट्स बनाने नॉट इन बायोलॉजी में कहता हूँ बायोलॉजी में अल्टीमेटली एनसीआर सोर्स से तो कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन बैंक आपको सोल्व करना है पी वाई क्यू सॉल्व करना है यह सबका डाउट अच्छे से पूछना है और शीट बनानी है और अगर बायो है तो कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी आपको में एनसीआर टी में आपने हर एक चैप्टर कंप्लीट किया तब एक पार्ट टेस्ट देने बैठना और ऐसे सारे पार्ट टेस्ट को अपने क्लियर तब जाके फुल सिलेबस दे, टेस्ट देने बैठना तो ये बहुत आपको अच्छे से आना चाहिए और इनकेस क्वेश्चन बैंक आपके पास यू नो कोई परफेक्ट नहीं है और आप वो सेम मॉड्यूल बार बार कर रहे हो बहुत ड्रॉपर्स का कॉल आ रहा है कि भैया मैं तो सेम स्टडी मटेरियल से पढ़ाई कर रहा हूँ मुझे आप समझ नहीं आ रहा है कि मुझे सेम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना चाहिए कि नहीं तो आप प्रैक्टिस करने के लिए अगर मैं आपको एक अल्टीमेट बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक का सोर्स बताऊँ तो आप डाउनलोड कर सकते हो नीट असेंशियल ऐप और उसमें एनसीआरटी अभ्यास बैच में आप एनरोल कर सकते हो यहां पे आपको लिटरली पी एनसीआरटी के पेज वाइज एमसी मिल जाएंगे मैं हमेशा कहता हूं पूरी पूरी एनसीआर अगर पढ़ने का मन नहीं करा तो दो या तीन पेज पढ़ रहा है उसके क्वेश्चन सोल्व करो बिकॉज क्वेश्चन सोल्विंग इज इक्वल इंपॉर्टेंट और उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी भी मिल जाएगी एस सी डॉ पे ऑलरेडी सारी पीवाईक्यू हाईलाइटेड कर दी गई है और आपको बस वो हाईलाइटेड लाइन पे क्लिक करके आप उस पीवाईक्यू को भी सोल्व कर सकते हो और ये पीवाईक्यू और वो जो आपके पेज और एमसीकू थे सबका आपको टेक्स्ट एज वेल एज वीडियो सोल्यून दोनों आराम से मिल जाएगा और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है लेटेस्ट पैटर्न में जैसे आपके आपकेशन रीजन मैथ द कॉलम स्टेटमेंट बेस पी वाई क्यू सब यहाँ पे इंक्लूडेड है परफेक्टली अगर आप एनसीआर अभ्यास बैच ज्वाइन करोगे तो आप अभ्यास एसेंशियल का भी एक्सेस पा सकते हो जहां पे हर चैप्टर सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड हाईडिंग एमसीक्यू प्रिपेयर किए गए हैं जिनमें आपके इंटेक्स क्वेश्चन सोल्ड एक्साम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एजाम्पल जैसे क्वेश्चन भी सब एड कर दिए गए हैं फिर देख सकते हो बैच का प्राइस है टू और अगर आप इनका अल्टीमेट कॉम्बो बैच लेते हो जहां पे आपको एनसीआर अभ्यास बैच तो मिलेगा लेकिन उसके साथ आपको एट मॉड्यूल्स और फिजिक्स केमिस्ट्री भी मिलेंगी विथ फिफ्टी

यू you नो know, मैं कह रहा हूं नीट वाले दिन इतनी ज्यादा खुद पे शक होगा ना कि आप इजी सी इजी कैलकुलेशन भी दो बार चेक करोगे ओ एम आर में फिल करने से पहले उस दिन अगर आपने ऐसे किया और आपको डबल डबल बार कैलकुलेशन करनी पड़ रही होगी ना तो आपका पेपर छूटने वाला है आप नीट के रेस से लिटरली आउट होने वाले हो तो अभी से हैबिट डालो कि जो क्वेश्चन है उसके बाजू में और अगर नहीं बाजू में तो लास्ट पेपर रफ पेपर पे क्वेश्चन नंबर डाल के प्रॉपरली कैलकुलेशन करो बिकॉज मैं लिटरली कह रहा हूँ नीट वाले दिन टू प्लस टू इज टू फोर ये भी अगर किसी स्टेप पर आ रहा होगा ना आप ये भी रीचेक करोगे तब जाकर में भरोगे इतनी ज्यादा यू नो काइंड ऑफ एक्साइटमेंट एंग्जाइटी जो भी आप कह लो होती है तो प्लीज कैलकुलेशन ढंग से करो आती प्रॉब्लम तो आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी वही कहता हूं कि इम प्रॉपर तरीके से रफ वर्क मत करो रफ वर्क के लिए एंडिंग में भी स्पेस दी रहती है और अगर आपकी हैंडराइटिंग छोटी है तो वहीं आसपास कर लो क्योंकि एक पेज पे सारे के सारे न्यूमेरिकल भी नहीं होते आते तो थियरी क्वेश्चन भी फिजिक्स में भरे रहते हैं और केमिस्ट्री में तो सिर्फ फिफ्टीन क्वेश्चन से आपके फिजिकल के आते हैं बाकी सब मिक्स ही रहता है फिर कुछ लोग को इशू हो है सीक्वेंस का कि भैया मेरा पेपर छूट जाता है मैं कभी फिजिक्स से चालू करता हूँ तो मेरा डेढ़ घंटा फिजिक्स में घुस जाता है फिर कुछ लोग कहते हैं मैं बायोलॉजी से स्टार्ट करता हूँ बायोलॉजी टाइम पे हो जाता है केमिस्ट्री टाइम पे हो जाता है लेकिन फिजिक्स फिर एंड में मेरे लिए बहुत कम टाइम बचता है और मैं इतना ज्यादा टायर्ड हो जाता हूँ एंड करते करते कि मेरे से फिर फिजिक्स सॉल्व नहीं होती तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दू तीन घंटे की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए पढ़ने की मैं हमेशा कहता हूँ अपना स्टडी स्लॉट तीन आवर का रखो या साढ़े तीन घंटे का रखो बिकॉज आपका जो अटेंशन पहले मिनट में होना चाहिए नीट वाले दिन वो आखिरी सेकंड में भी आपका अटेंशन पेन होना चाहिए तो आपका स्टडी स्लॉट भी ऐसा डिजाइन होना चाहिए अगर आपने पढ़ने की हैबिट डेढ़ या है, दो घंटे की सिर्फ रखी है। तो अब मॉक टेस्ट में आखिरी का जो एक घंटा रहेगा ना बहुत अनप्रोडक्टिव रहने वाले आपसे ढंग से, से चीजें सॉल्व नहीं होंगी तो इसलिए सबसे पहले आप जो भी रीजन दे रहे हो ना कि आखिरी के एक घंटे में भैया मेरे से चीजें सॉल्व नहीं होती मैं टायर्ड हो जाता इसलिए तो सबसे पहले तो अपना स्टडी स्लॉट का टाइम एक्सटेंड करो पढ़ने की हैबिट डालो एंड मुझे लगता है कि आपको सब कुछ ट्राई करना चाहिए कोई भी आइडियल तरीका नहीं कि मैं जैसे मैं पहले बायो सॉल्व करता था पर मैं ये नहीं कहूंगा कि सब लोग पहले बायो सॉल्व करो यू नो कुछ लोग होते थे जो फिजिक्स पहले सॉल्व कर रहे थे बायो एंड में सॉल्व करते बिकॉज उन्हें एंड में रिलैक्स रहना रहता था और बायो बहुत की रोल प्ले करता था तो कोई भी आइडियल मैथड नहीं आपको जरा भी ये मत सोचो कि मेरा सीक्वेंस कैसे कम मार्क्स आ रहा है हर एक सीक्वेंस ट्राई करो जो सीक्वेंस से आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जा रहा है आप ज्यादा रिलैक्स रहते हो आप ज्यादा चिल रहे हो वो सीक्वेंस को अल्टीमेटली आप फॉलो करो किसी की भी बात के डेविएट मत होना तो सीक्वेंस तो मुझे लगता है आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट पहला करो या बायोलॉजी पहला करो आपको खुद ट्राई करना चाहिए एंड कुछ लोगों को ओमेर ओमेर फीलिंग इश्यूज भी होते तो मैं कहता हूँ यार ओ एम आर प्रिंट आउट कराओ और अगर आप मॉड्यूल या अपना डेली प्रैक्टिस करो तो भी ओ एम आर फिल करने की हैबिट डालो बिकॉज अल्टीमेटली आपकी प्रेपरेशन अच्छी है अपनी पूरी प्रेपरेशन करके अपने क्वेश्चन पेपर शांति से सॉल्व किया लेकिन आपने ओ एमआर में मिस्टेक कर दी उससे ज्यादा ड्रामा आपको लाइफ टाइम ड्रॉप ईयर में और कुछ नहीं होगा अगर इसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ सो प्लीज़ जस्ट गो एंड डाउनलोड दी ओ एम आर प्रिंट आउट निकालो ओ एम आर वाले पे सॉल्व कर करके जैसे अभी मैंने आपको एनसीईआरटी टी अभ्यास में बताया कि वहाँ पे भी आपको ओएमआर तो मिली रियलिटी वर्ल्ड कॉम्बो पैच में तो जो आपके क्वेश्चन पेपर वाला जो मिस्टेक है ना वो सब का मैंने आपको जैसा कहा कि सोल्यूशन है सिर्फ एमसीक्यू सॉल्विंग आप जितनी ज्यादा एमसीक्यू सॉल्विंग करोगे उतनी ज्यादा स्किल डेवलप करोगे उतनी ज्यादा स्किल को प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे अब आ जाते हैं मेंटल इश्यूज पे कि बहुत लोगों की प्रेपरेशन अच्छी होती है कंप्लीट उनको कोई क्वेश्चन पेपर में भी जो मैंने गलती लिस्ट आउट की वो भी उनकी कुछ नहीं होती सब परफेक्ट होता है उसके बाद भी उनके कम मार्क्स क्यों आते हैं सबसे पहले आप अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं और इस क्राइटेरिया में मैं भी आता था ड्रॉप ईयर में खुद से बहुत एक्सपेक्ट करना है कि यार सब कुछ इतना परफेक्टली किया तो मैं डिजर्व करता हूँ ये मार्क्स ये नहीं होता अगर आप डिजर्व करते हो ना तो ये सोचने की जरूरत है नहीं आपको अल्टीमेटली चीज़ें मिल जाएंगी जब आप जबरदस्ती सोच रहे हो कि मैं यह चीज़ डिजर्व करता हूँ मुझे मिलनी चाहिए तब एक्चुअली आप डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं हो अगर आप एक्चुअली डिजर्विंग होते ना आप उतने फुलफिल्ड होते ना विद कंप्लीट प्रिपरेशन एंड इन्फॉर्मेशन आप अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं करते तो स्टॉप एक्सपेक्टिंग फॉर योर फ्रॉम योर सेल्फ एक्सपेक्ट इंसान हम एक्सपेक्ट हम वहां करते हैं जहां हमें मालूम है कि हमें शायद नहीं मिल सकता इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं जो चीज़ आपने अपने हार्डवर्क से अर्न किया आपको मिलने ही वाली उसके लिए एक्सपेक्ट करना बंद करो इसके ऐसे आप एग्जाइटी होती है नर्वसनेस बहुत सारे इश्यूज होते हैं तो पहले तो अपने आपसे एक्सपेक्टेशन कम कर दो टेस्ट को टेस्ट की तरह देना चालू करो दूसरा फैमिली और पीयर प्रेशर आप खुद तो टेंशन लेते नहीं लेकिन यू you नो know, दोस्तों के ग्रुप में आपके सबसे कम मार्क्स आएंगे मॉम डैड कैसे रिएक्ट करेंगे कम मार्क्स अभी से आ रहे इतना यू you नो know, आपके पढ़ाई पर अपने टाइम में सब इन्वेस्ट कर रहे हो आप वो फिर कुछ लोग का जो ग्रुप पे आकाश एलन में पब्लिकली रैंक डिस्प्ले होता है मार्क्स डिस्प्ले होता है उससे लोगों को ट्रॉमा आ जाता है कुछ लोग उस चक्कर में सारी गलतियां और कुछ लोग प्रेपरेशन के बाद इतने सिर्फ टेस्ट है मैं तो उस पता सोल्यूशन क्या कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर बनने वाले हो कितनी सर्जरीज करोगे कितने पेशेंट्स के साथ डील करोगे आधी आधी एक एक घंटे की नींद के साथ आप पेशेंट्स के साथ डील करोगे उनकी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी पड़ेगी बिकॉज उनके मरने या जीने की बात आ गई है वो वो लाइफ के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो और आप ये टेस्ट से आप ये सारे फैक्टर से डर रहे हो लिटरली अगर आप ये सारे फैक्टर से डर रहे हो ये सारे फैक्टर से आप फाइट आउट नहीं कर पा रहे हो तो डोंट यू थिंक कि आप डॉक्टर बनना डिजर्व नहीं करते हो क्योंकि डॉक्टर में तो इन टू हंड्रेड सारी प्रॉब्लम आने वाली जहां पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये पेशेंट जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा आज आपकी स्किल्स और आपकी नर्वसनेस किसी की जिंदगी आपकी सवार रहेगी ये तो फिर भी एक ऑफलाइन नॉन लिविंग पेपर है एक टेस्ट है जो अगले एक हफ्ते बाद कोई याद नहीं रखने वाला तो आस्क योर सेल्फ क्या आप ये फील डिजर्व करते हो अगर आप ये सारी मेंटल इश्यूज से डील नहीं कर सकते अगर नहीं कर सकते तो क्विट योर अगर अगर आपको लगता है कि इनसे फाइट आउट कर तो करो और ये सारी रीजन मुझे आपके अगले एक हफ्ते में चाहिए ही नहीं कि भैया ये रीजन कैसे मेरे टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं मैं वही कहता हूँ वर्क ऑन योर सेल्फ ये सारे रीजन हो तो आपकी मेंटल एबिलिटी सिर्फ आपके हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है रिलैक्स रहो स्ट्रेस फ्री रहो स्ट्रेस किसी चीज का लेना नहीं चाहिए आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए मोटिवेटेड रहना चाहिए डिसिप्लिन रहना चाहिए स्ट्रेस उन चीजों का हम लेते हैं अगेन जो हमारे हाथ में नहीं होती है और आपकी सब चीजें हाथ में हैं, तो स्ट्रेस किस बात का है मुझे नहीं समझ आ रहा अटेंटिव रहना सीखो मेडिटेशन करो और एक्सरसाइज करो दिन में सिंपल है सारी चीज़ें आराम से सॉल्व हो जाएंगी ओके okay? मैं हमेशा कहता हूँ कीप इट लाइट जितना आप हर चीज़ को अपने लाइफ में लाइट रख सकते हो ना रखो टेस्ट देने जा रहे हो तो खुद को अपने फैमिली वालों को हैवी मत फील कराओ कि वो यार एक एक टेस्ट आपका ऐसे पहाड़ी की तरह निकल रहा है आपका नीट प्रिपरेशन का एक एक दिन इतना डिफिकल्ट तरीके से निकल रहा है जितना आप चीज़ों को लाइट रखो कि उतना सक्सेस पाने के चांसेज उनमें सबसे ज्यादा रहेंगे लास्ट है आपका आप एनालाइज नहीं करते हो अपने टेस्ट को आपने सारी चीज़ें अच्छे से टेकल आउट कर ली लेकिन आप एनालाइज ही नहीं कर रहे हो अपने टेस्ट को तो अगले टेस्ट से पहले आपको मालूम ही नहीं था कि आपने पिछले टेस्ट में क्या गलतियां की थी तो मैं कहता हूँ गलती ना करने के लिए गलतियां याद भी होनी चाहिए कि मुझे गलतियाँ नहीं करनी है तो सबसे पहले अपनी मिस्टेक का कैटेगराइजेशन करना सीखो कैटेगराइजेशन ऑफ द मिस्टेक मतलब हर एक क्वेश्चन जो आपका रॉन्ग हुआ उसके नीचे रीजन लिखो कि सीली मिस्टेक था कि मेमोराइजिंग मिस्टेक था कि क्वेश्चन रीडिंग मिस्टेक था जो भी तुच्छे से तुच्छा रीजन हो ना वो भी लिखो बट अपना रीजन लिखो कि आपने गलती क्यों की थी और अगेन आप चाहो तो कोई उनको रिवाइज आपको नहीं कर रहे हो इसलिए शायद आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे और आप नोटबुक भी प्रिपेयर कर सकते हो कोई एनालिसिस की या अपने क्वेश्चन पेपर में भी आप अपने सारे मिस्टेक लिख सकते हो कोई भी चलेगा मैंने नोटबुक भी बनाई थी और मैंने कितने एक्सपूरेंट्स को देखा अपने क्वेश्चन पेपर में कलरफुल पेन या रेड कलर के पेन से एनालिसिस करते हो तो टाइम टू टाइम क्वेश्चन पेपर अपने पुराने मॉक टेस्ट के पेपर ही सॉल्व करते रहते हैं विच जिसकी वजह से उनके फिर अच्छे यू नो मार्क्स और एनालिसिस दोनों साथ में हो जाता है तो एनालाइज ना करना मेंटल इलनेस होना और आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग होना मैंने सारे इश्यूज यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब कर लिए आपका इन चार में चार कैटेगरी में से कहीं कही ना कहीं तो आप लाई हंड्रेड करते हो और आपको आई होप सल्यूशन परफेक्टली मिल गया होगा इनकेस नहीं मिला आपको कोई और सोल्यूशन या कोई आपकी और प्रॉब्लम तो कॉमेंट करना है मुझे ई करना तो मैं आपको उस परफेक्टली रिप्लाई कर दूंगा तो हम अपने मिलते हैं अगले वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय